हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों हर मुद्दे पर बात कर रही है, फिर चाहे वो सुशांत से जुड़ा मामला हो या फिर ड्रग्स एंगल से जुड़ा। कंगना लगातार खबरों में बनी रहती है। वहीं जब भी कोई कंगना के खिलाफ बयानबाजी करता है तो कंगना उसे मुंहतोड़ जवाब भी देती है। वहीं अब उनकी बहन रंगोली भी कंगना के विरोधियों को लताड़ लगाती हुई दिख रही है। इस बार रंगोली के निशाने पर आई है बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस शबाना आजमी। दरअसल रंगोली चंदेल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शबाना आजमी और जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए लिखा है, और सुसाइड गैंग आ गया। डियर शबाना आजमी जी, मेरे पास आपके लिए और आपके पति के लिए कुछ सवाल है। आप दोनों लोग भी केवल एक्टिंग और कविताओं तक ही सीमित क्यों नहीं रहते? आप दोनों लगातार एंटी इंडिया पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों लेते हैं? जहां तक हेडलाइंस की बात है या फिर कुछ विषयों पर आपकी राय है, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका एंटी इंडिया एजेंडा सही है तो कंगना की प्रो इंडिया राजनीति गलत कैसे है? आपके लिए अलग नियम और उसके लिए अलग नियम क्यों है? तो कंगना की बहन रंगोली चंदेल का ये बयान उस टाइम पर आया है जब हाल ही में शबाना आजमी ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था, कंगना को एक्टिंग पर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो उसमें अच्छी हैं। वो खबरों में बनी रहने के लिए ऐसे बयान देती हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं किसी दिन उनका नाम खबरों में नहीं आया तो क्या होगा। इतना नहीं, शबाना आजमी ने कंगना रनौत पर लोगों को असली मुद्दे से भटकाने का आरोप भी लगाया। शबाना आजमी ने ये कहा है, भारत के असली मुद्दे किसानों का गुस्सा, चीनी सीमा पर घुसपैठ और कोरोना के बढ़ते केस हैं। इन मुद्दों पर बात ना हो इसलिए ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि शबाना आजमी के इन तीखे शब्दों का जवाब देते हुए कंगना रनौत की बहन यानी कि रंगोली चंदेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर उनकी और जावेद अख्तर की फटकार लगाई थी और शबाना आजमी से भी केवल एक्टिंग तक ही सीमित रहने की गुजारिश की है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना की बहन यानी कि रंगोली चंदेल के इस बयान पर अख्तर परिवार कैसे रिएक्ट करता है।